हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तो गाइस आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लोकी के मोमोज की रेसिपी जी हाँ गाइस आपने कभी सोचा भी नहीं होगा लोकी के मोमोज या हो सकता है आपने कभी खाए भी हो तो मैं इस तरीके के लो, लोकी के मोमोज जब मैंने पहली बार ट्राई किया था तो मुझे बहुत पसंद आया तो सोचा क्यों ना इस रेसिपी को आप लोगों के साथ में शेयर कर दो तो ये रेसिपी मेरी फ्रेंड की है वो नेपाली है उसने मेरे साथ में शेयर करी थी मैंने बनाया मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में भी शेयर करती हूँ तो ये बहुत ही डिलीशियस से मोमोज लगते हैं और बिल्कुल अनोखी रेसिपी है अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप जरूर ट्राई करेंगे और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा है ना और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो यहाँ पे लिए हमने एक मोटी ताजी लौकी तो ये अगर आपके पास में फ्रेश लौकी हो ना तो आप फ्रेश लौकी ले लीजिएगा पर भाई अपने तो रखे रखे थोड़े से उसमें बीजे पड़ गए थे थोड़े से नहीं बहुत पड़ गए थे पर ये लौकी भी इससे भी बन जाएगा बढ़िया तो हमें क्या करना है हमें केवल इसको लौकी को कट करके इसके जो बीजे हैं वो निकाल देने हैं वैसे भी ना अगर लौकी में अगर आप फ्रेश लौकी रहते तो उसमें पानी कुछ ज्यादा ही छूटता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो थोड़ी सी पकी हुई लौकी होती है जिसमें बीजे होते हैं ना वही वाली लौकी हमें ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर ज्यादा सही रहेगी यूज़ करने में तो वैसे भी हमें बीज का पार्ट उस वाली अगर आप ताजी लौकी भी लेते हैं फ्रेश वाली जो जूसी होती है उसमें भी निकाल ही देना पड़ता है तो यहाँ पे मैंने सारी लौकियों को छील के उसका बीज का पार्ट निकाल लिया है और अब हमें क्या करना है लौकियों को घिस के इसको घिस लेना है कद्दूकस कर लेना है चाहो तो आप ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हो बट तो वो ना मज़ा नहीं आता जब तक इस तरीके से घिसने वाले जो रेशे ना दिखे ना तब तक मजा नहीं आता तो इस तरीके से मैं क्या करूँगी सारे लौकी को मैंने घिस के इसका कद्दूकस कर लिया अब हमें क्या करना है इसमें पानी डाल के इसको धो लेना है तो मैं इस सारी पूरी लौकी का जो कद्दूकस करके रखा है उसको अच्छे से धो लूँगी और ना फिर इसका धो के इसको निचोड़ना है हमें और इसमें से जितना हो सके उतना पानी हमें रिड्यूस कर लेना है तो गाइज अगर अभी तक वीडियो में आपने ना ये वीडियो जो है ना आपको मतलब ये रेसिपी सॉरी क्या बोलती हूँ मैं सच में ये रेसिपी ना आपको बहुत पसंद आई आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये लौकी के मोर और जब आपके भी अच्छे बनेंगे तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा और ये चलिए इधर उधर लुढ़क रही थी मेरी तो यहाँ पे मैंने सारी लौकी का जो है वो जूस निकाल के और ना इसको अच्छे से पानी निकाल लिया है और इसको अब हम लोग थोड़ा सा शेयर कर लेंगे आप गुटलियाँ गुटलियाँ पड़ गई थी ना इसमें तो यहाँ पे मेरी लौकी जो हो गई है तैयार अब मैं क्या करना है एक पैन में लेना उसमें में ले है उसमें मैंने दो बड़े चम्मच के करीब ऑयल लिया इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता सच में बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल नहीं लगता तो दो बड़े चम्मच ही मैंने ऑयल लिया है और यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची को बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया था बारीक कट कर लीजिए क्योंकि मोमोज बनाते टाइम पर अगर मोटी हरी मिर्ची डालेंगे ना तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम देती है बनते नहीं है मोमोज तो यहाँ पर ऐसी तरीके से मैंने बारीक कटा हुआ एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था उसे भी इसमें डाल देंगे और इसमें पका लेंगे तो ये देखिए इसमें भी एक मोटा टुकड़ा आ गया था तो उसे भी मैंने हटा दिया है तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर ये रेसिपी पसंद आएगी ना आपको जरूर पसंद आएगी देख लेना आप ट्राई करके ज़रूर देखिए तो इसमें आप डाल दिए थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट पेस्ट नहीं है एक्चुअली मैंने जैसे कूट के डालता है कूट के डाला है उसको केवल पेस्ट नहीं बनाया है इसका तो थोड़ा सा मुँह में आता है तो ज़रा अच्छा लगता है ना तो इसको भी थोड़ा सा पका लेंगे और यहाँ पे हमने लिया है किचन किंग मसाला तो एक चम्मच के करीब किचन किंग मसाला अभी मैंने पहले डाला था बाद में और थोड़ा डालूंगी मैं तो इन सभी को अच्छे से और किचन किंग मसाले की जगह अगर आप लोग इस वक्त अगर मतलब आप लोग नॉनवेज खाते हो तो आप इसमें चिकन मसाला भी ऐड कर सकते हो वो भी बहुत अच्छा लगता है मसाला ही होता है ना लेकिन यहाँ पे मैं पूरा प्योर वेज वर्जन बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें डाला है किचन किंग मसाला और इसमें इस मसाले के अलावा कोई और मसाला पड़ेगा भी नहीं यस yes, गाइस इसमें बहुत ईजी है इसको बनाना तो यहाँ पे मैंने डाला एक चम्मच के करीब नमक टेस्ट के अनुसार आप नमक डाल दीजिए और थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब मैंने अजीनोमोटो डाला है तो क्या होता है ना मोमोज़ वगैरह में ना अजीनमोटो का स्वाद बहुत अच्छा लगता है तो अगर आप चाहो तो इसको पूरा स्किप भी कर सकते हो और नहीं करो थोड़ा सा चाहो डालना तो थोड़ा सा डाल दो तो यहाँ पे मुझे मसाले की थोड़ी सी कमी लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा एक चम्मच की करीब और मसाला इसमें ऐड कर दिया वही किचन के एक मसाला मेरा नथिंग एल्स उसके अलावा तो कोई और मसाला पता ही नहीं है सबसे इजी है ये मोमोज बनाना और इतने ही टेस्टी लगते हैं ये आप चाहो तो ना इसमें थोड़ा सा हरा हरा वाला जो प्याज होता है वो भी डाल सकते हैं पर उस दिन मेरे पास में था नहीं तो मैंने नहीं डाला वो भी अच्छा लगता है इसमें तो उसको ढक के लौकी को ढक के अब में पका लेना उसमें जितना भी पानी रहेगा उस पानी को हमें रिड्यूस कर लेना है तो अब हम तैयार करेंगे मोमोज़ के लिए आटा तो यहाँ पे मैंने दो कप के करीब मैदा लिया था उसमें डाला है थोड़ा सा नमक और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका आटा तैयार कर लेंगे और आटा जो है हमें ना तो बहुत ज़्यादा टाइट करना है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना है क्योंकि अगर हमने बिल्कुल पतला कर दिया आटा तो मोमोज की शेपिंग में प्रॉब्लम आ गई और बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया ना तो मोमोज हमारे सॉफ्ट नहीं बनेंगे थोड़ा तो टाइट टाइट से बनते हैं और फट भी जाते हैं तो यहाँ पे हमारा सेमी सॉफ्ट जो आटा बनके तैयार हो गया है इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं ढक के तो मैं अपनी लौकी को चेक कर लेती हूँ देखिए बढ़िया से हमारी लौकी अगर कर, कर, कद्दूकस करके डालते हैं तो जल्दी पक जाती है बस हमें ध्यान इतना रखना है कि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी हो वो सारा हम रिड्यूस कर दें वरना क्या होगा जब मोमोज बनाएंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी और मोमोज की हमारी सही से शेपिंग नहीं होगी तो यहाँ पर मेरी जो फिलिंग है वो बन तैयार हो गई है इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और बस इसे मिक्स करके हमें क्या करना है इसे ठंडा कर लेना है जब हम मोमोज बनाएंगे उसके पहले हमारा जो ये मिक्सचर है वो पूरी तरीके से ठंडा हो जाना चाहिए ना गरम गरम में तो आपको पता ही है मोमोज बनेंगे ही नहीं है ना तो मैं इसको पूरा अलग से एक बर्तन में निकाल के इसे ठंडा कर लेती हूँ पंखे में रख के मैंने इसे ठंडा कर लिया था फटाफट दस मिनट में ही ठंडा हो जाता है तो इस चलिए इसे फटाफट से ठंडा -फुट कर लेते हैं और अब आते हैं अगले अपने मोमोज़ के ऊपर तो यहाँ पे मैंने ना आटे की गोलियाँ बना के रखी थी छोटी छोटी गोलियाँ बना के रखी हुई हैं मैदे की तो अब मैं बना लेती हूँ इसकी पूरियाँ पूरियाँ मतलब छोटी छुट छोटी सी हमें बेलना है और इसको आप चाहो तो इसके किनारे पतले कर सकते हो बीच में सेंटर में मोटा रख सकते हो वैसे बेसिक तरीका यही होता है पर मैं तो भैया ऐसे कर लेती थी इतना टाइम नहीं होता है सही बता रही हूँ <laughs> जब मोमोज़ की तैयारी होती है तो ऐसा लगता है फटाफट से ये मोमोज बन जाओ फटाफट से हम लोग को गर्मा गर्म मिल जाए और हम खा लें तो यहाँ पे मैंने इसे पूरियाँ बना के तैयार कर ली थी अब अब रखने की इसमें फिलिंग जो है वो बीच में अच्छे से दो दो या डेढ़ चम्मच के करीब अपने पूरी के शेप के है? मतलब जितना बड़ा साइज़ है उस हिसाब से रख लेंगे और अब हमें क्या करना है बस करना है मोमोज की शेपिंग ये काम सबसे ज़्यादा टफ लगता है लोगों को क्योंकि लोगों को मोमोज की शेपिंग करनी नहीं आती तो कई लोग क्या होते हैं ना मोमो मोदक बना देते हैं क्या कोई बात नहीं बन जाए तो बन जाए खाने से मतलब होना चाहिए शेपिंग से क्या लेना देना बट यस अगर शेप अच्छा बनता है ना तो मोमोज वाली फीलिंग आती है ना मार्केट वाली फीलिंग आती है तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ ये मैं अपने मोमोज बनाने का तरीका आपके साथ में पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ बहुत डिटेल में आप चाहो तो मेरी वो वीडियोज़ भी देख सकते हो इसके पहले मैंने चिकन मोमोज और और कौन से मोमोज शेयर किए थे और भी कोई से तो भी मोमोज शेयर किए थे तो मुझे तो याद ही नहीं आता एक बार में तो वो भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो वो भी बहुत अच्छी रेसिपी है मैंने चटनी भी मोमोज़ की बनाना बताई है आपको तो आप चाहो तो वो वीडियो भी चेक कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी लगेंगी आपको वीडियो वो वीडियोस भी तो यहाँ पे हमारे मोमोज बन के तैयार हो गए मैंने जो इसकी स्टीमर की प्लेट्स थी उनको ग्रीस कर लिया था ऑयल से यहाँ पे पानी को बॉईल करने के लिए पहले ही रख दिया था और अपने मोमोज को रख देंगे इसके ऊपर देखिए कितना तो सुंदर लग रहा है इतना तो प्यारा लगता है ना ये शेप मुझे ये शेप सबसे ज़्यादा पसंद है तो अब इसको ढक के दस मिनट के लिए मैं रख देती हूँ स्टीम करने के लिए ये देखिए दस मिनट बाद देखिए हमारे मोमोज जो है बढ़िया से स्टीम हो गए हैं गर्मा गर्म मोमोज और इसको खाइए चटनी के साथ में आहा मजा आएगा एक गारंटी मेरी आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी आप एक बार करके ज़रूर देखिए तो हमारे मोमोज बन गए हैं इनको निकाल लेती हूँ मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ इन मोमोज़ की देखिए कितनी शाइनी कितनी बढ़िया आप चाहो तो इसके ऊपर थोड़ा तो सा बटर लगा दो और ना क्या बोलते हैं उसको पिज़्ज़ा सीजनिंग वगैरह होती है वो भी डाल सकते हो पर मुझे तो ऐसी ही चल रही फीलिंग ही बहुत अच्छी है अंदर जो हमने भरा है स्टफिंग वो इतनी बढ़िया है कि आपको कुछ और ऊपर से ऐड करने की जरूरत ही नहीं है तो यहाँ पर हमारे मोमोज बन के तैयार हो गए पहले वो जो कटोरी थी वो बहुत बड़ी लगी थी मैंने चेंज करके छोटी कर दी है अब आपको मैं एक मोमोज़ को तोड़ के बताती हूँ अंदर से देखिए कितने बढ़िया जूसी अंदर की जो स्टफिंग है वो कितनी बढ़िया है और टेस्ट का तो मैं आपको गारंटी लेती हूँ सच में इतने टेस्टी बनेंगे ये मोमोज तो ज़रूर ट्राई कीजिए अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इसी तरीके की डिलीशियस रेसिपीज़ मैं आप लोग के साथ मैं आगे भी शेयर करती रहूँगी तो बनी रही हमारे साथ में इसको मोमोज़ और मैं इसके साथ में खाते हैं तो मैं इंजॉय करती हूँ अपने मोमोज़ को आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चलिए वेट कीजिए अगली वीडियो में मिलती हूँ आपके साथ में और भी कई तरीके की डिलीशियस रेसिपीज के साथ में तब तक के लिए बाय बाय